हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद बीजेपी ने सोमवार को बसीरहाट में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया। बीजेपी 10 जून को पूरे राज्य में काला दिवस के तौर पर मनाएगी और साथ ही 12 जून को विरोध रैली निकाली जाएगी। बसीरहाट के संदेश खली में झंडा हटाए जाने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 5 कार्यकर्ता बीजेपी और 3 टीएमसी के बताए जा रहे हैं। रविवार को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मारे गए कार्यकर्ताओं की शोक यात्रा निकाली, जिससे पुलिस ने रोक दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के शवों को लेकर प्रदेश के शीर्ष बीजेपी नेता मलंचा रोड से गुजर रहे थे। ये सड़क बसीरहाट को कोलकाता से जोड़ती है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर गृह मंत्रालय ने गहरी चिंता जाहिर करते हुए एडवाइजरी जारी की थी। इसमें ममता सरकार को नागरिकों में विश्वास बनाए रखने में विफल बताया था। वहीं एडवाइजरी के जवाब में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दावा किया कि राज्य में हालात नियंत्रण में है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी राजनीतिक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है, हम उचित जवाब देंगे। इसके अलावा टीएमसी ने भी गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में टीएमसी ने एडवाइजरी वापस लेने के लिए कहा है। टीएमसी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने बिना जमीनी हकीकत को जाने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एडवाइजरी जारी कर दी है और इस मामले में राज्य सरकार से भी कोई रिपोर्ट नहीं ली है। टीएमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आचार संहिता की आड़ में बीजेपी के गुंडों ने राज्य में हिंसा की और अब बीजेपी और गृह मंत्रालय का नेतृत्व भी उसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी जो चाहती है गृह मंत्रालय आंख मूंदकर उसे मान रहा है। सत्तारूढ़ टीएमसी ने आगे कहा, बतौर राष्ट्रीय पार्टी हम ये पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार की एडवाइजरी यूपी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं जारी की गई, जहां यादव समुदाय के 25 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। ईस्टर संडे अटैक का दर्द झेल चुके श्रीलंका ने मुस्लिम प्रभाकरण को ना पनपने देने को लेकर दुनिया को चेतावनी दी है और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने दुनिया के सभी देशों से एकजुटता दिखाने का आग्रह किया। सिरिसेना ने माना कि देश अविभाजित हो चुका है, देश में धार्मिक नेता और राजनेता बटे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो मुस्लिम प्रभाकरण के पैदा होने के लिए कोई जगह न छोड़े। इस आतंकवादी संस्था का मकसद पूर्वी और उत्तरी श्रीलंका में तमिलों के लिए नए देश की स्थापना करना था। श्रीलंका ने लंबे वक्त तक गृह युद्ध का दंश झेला है, जिसमें हजारों लोगों ने जान गंवाई है। साल 2009 में श्रीलंकाई सेना ने प्रभाकरण को मौत के घाट उतार दिया था। राष्ट्रपति सिरिसेना ने कहा कि अगर हम विभाजित होकर अलग हो जाते हैं तो पूरा देश हार जाएगा और एक अन्य युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राजनेताओं का फोकस इस साल के आखिर में चुनाव पर केंद्रित है, देश पर नहीं। रोहतक में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेजेपी नेता और हिसार से पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विधानसभा चुनावों में गठबंधन पर बोलते हुए दुष्यंत ने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं और फैसला परिस्थितियों के अनुसार होगा। दुष्यंत ने कहा आप पार्टी के साथ समझौता जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहा है वो जनमत का अपमान कर रहा है। लोकसभा चुनाव में ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं हुई। इस लोकसभा चुनाव में मोदी को देश ने प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, क्योंकि और कोई चेहरा प्रधानमंत्री के लायक लोगों को दिखाई नहीं दिया। चौटाला ने कहा कि लोकसभा और उपचुनाव से यह तय हो गया है कि जेजेपी पार्टी ही चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने दोनों चुनाव में इनेलो से ज्यादा वोट हासिल किए। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने एसवाईएल के मुद्दे पर भी अपना बयान दिया। साथ ही दुष्यंत ने कहा कि हम अगले 100 दिन में जनता के बीच 3 मुद्दों को लेकर जाएंगे, जिनमें रोजगार, मेरा अधिकार, बुढ़ापा पेंशन और किसान मुद्दा शामिल है।
साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक महीने में पार्टी को बूथ लेवल तक ले जाना है, जिसके लिए हर जिला स्तर पर बैठक की जाएगी। वहीं दुष्यंत ने पूर्व सीएम हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा कहीं पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं। जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। जेजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री जगदीश नायर ने रविवार को जेजेपी का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ अपना लिया है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के नेतृत्व में पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। पूर्व मंत्री जगदीश नायर रविवार को रोहतक में हुई जेजेपी की बैठक में शामिल भी हुए थे, लेकिन निकलते ही वो सीधे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला से जा मिले और दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि जगदीश नायर होडल से दो बार विधायक रह चुके हैं और एक बार मंत्री रह चुके हैं। वो पहली बार 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे, उसके बाद 2009 में इनेलो के टिकट पर विधायक बने थे। लेकिन इनेलो के बिखराव के बाद नायर दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि नायर के जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से होडल में जेजेपी पूरी तरह से कमजोर हो गई है और बीजेपी को होडल से एक मजबूत प्रत्याशी मिल गया है। प्रदेश में सवारियों की ओर से मिली शिकायतों को दूर करने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई स्कीम शुरू की है। विभाग रोडवेज की बसों में जीपीएस सिस्टम लगाने जा रहा है। हरियाणा परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी बस स्टैंड पर नहीं रुकती है उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार के महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा देने के ऐलान पर पवार ने कहा कि फिलहाल हरियाणा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस सुझाव पर विचार किया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नायब सैनी ने प्रोफेशनल फोटोग्राफर बीमा पॉलिसी का उद्घाटन किया। इस पॉलिसी से सभी फोटोग्राफर्स को 5-5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नायब सैनी ने कहा कि फोटोग्राफर एसोसिएशन ने प्रत्येक सदस्य की बीमा पॉलिसी कर एक सराहनीय काम किया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र धर्मनगरी को विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के एक निजी होटल में फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर नायब सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर लाड़वा के विधायक पवन सैनी और जिला प्रधान भाजपा धर्मवीर मिर्जापुर ने हिस्सा लिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों पर सेना के बैच के विवाद पर पद्मश्री पहलवान बजरंग पुनिया का बयान सामने आया है। बजरंग पुनिया ने कहा कि धोनी ने यह बैच सेना और जवानों को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किया है, ऐसे मामलों में किसी का कोई बैन नहीं होना चाहिए। पुनिया ने कहा कि धोनी खुद सेना में है और सेना का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। वहीं इस दौरान पुनिया ने अलीगढ़ में हुए 2.5 साल की बच्ची के साथ हत्या के मामले में कहा कि जो 2.5 साल की बच्ची को नहीं बख्श सकता तो सोचो वो कितना बड़ा दरिंदा होगा। ऐसे आरोपी को तो सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के इटावा के बलरई रेलवे स्टेशन पर सोमवार को रेलवे लाइन के किनारे खड़े 4 लोगों की डिब्रूगढ़ राजधानी की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब अवध एक्सप्रेस को लूप लाइन पर खड़ा कर राजधानी को पास कराया जा रहा था, तभी 4 लोग राजधानी की चपेट में आ गए। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि 4 मुजफ्फरपुर से बांद्रा जा रही अवध एक्सप्रेस के यात्री थे। गर्मी से परेशान कई यात्री ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। इसी बीच राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजरी, इसी की चपेट में कई यात्री आ गए, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सफाई और टुंडला के अस्पतालों में भेजा गया। हादसे की सूचना पाकर जिला प्रशासन और रेलवे के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ते ही लोग छिलछिलाती गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए पहाड़ की ओर रुख करना शुरू कर देते हैं। बढ़ती आबादी और पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण पहाड़ों पर खाने पीने आदि मूलभूत सुविधाओं को लेकर दबाव बढ़ जाता है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ता है। इस बार भी गर्मी अपने चरम पर है और उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है।
कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में लोगों का पहाड़ पर जाने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर की बात की जाए तो उत्तराखंड जाना ज्यादा आसान है। उत्तराखंड जाने के लिए आवागमन के साधन बेहद सुलभ हैं और ज्यादा दूरी भी नहीं है। इस कारण लोग उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, लेकिन सैलानियों की बाढ़ के कारण वहां के कई शहरों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कवच बनाए जाने की तैयारी है। ये कवच 5 लेयर का होगा। पांचों लेयर की सुरक्षा तैनात करने के बाद दिल्ली के चारों तरफ अभेद किला बन जाएगा। यह विश्व की सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रणालियों में से एक होगी। इसकी तैनाती के बाद दिल्ली किसी भी तरह के हवाई हमलों से सुरक्षित रहेगा, चाहे हमला मिसाइल से हो, ड्रोन से हो या फिर फाइटर जेट से। भारत लगातार ऐसी सुरक्षा प्रणाली के लिए अमेरिका, रूस और इसराइल से डील कर रहा है ताकि दिल्ली को हवाई हमलों से बचाया जा सके। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 का 7 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसी बीच गोहाना के कोहला गांव के रहने वाले पंकज सागवान, जो कि एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 में सवार थे, इनके परिजनों ने अब सरकार से जल्द विमान को खोजने की मांग की है। इसी के साथ परिजनों ने सरकार द्वारा सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा को भी सही करार दिया है। वहीं पंकज की मां ने सरकार से अपने बेटे की जल्द से जल्द तलाश कर उसे सही सलामत वापस लौटाने की मांग की। आपको बता दें कि विमान AN-32 अरुणाचल प्रदेश में बेचुका एयरफील्ड से 3 जून को लापता हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। बढ़ती गर्मी के कारण लगातार आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन घटना के दौरान घर में मौजूद एक बुजुर्ग दंपति की मौके पर मौत हो गई, जबकि पोती फिलहाल सुरक्षित है। बहरहाल आज दंपति का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं पुलिस भी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आम लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। दरअसल सोमवार को पेट्रोल 13 पैसे सस्ता हुआ, तो वहीं डीजल के दाम में 12 पैसे तक की कटौती देखने को मिली। ये लगातार 5वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। इन 5 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया, जबकि डीजल के दाम 1.03 रुपये प्रति लीटर घट गए। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती का यह सिलसिला आने वाले दिनों में थम सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते हफ्ते कच्चे तेल के दाम में फिर तेजी लौटी है। शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली की शानदार पारी के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने विश्व कप 2019 में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत द्वारा दिए गए 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 50 ओवर में 316 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ओपनिंग के लिए टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन मैदान में आए और अपने प्रदर्शन से उम्मीदों पर खरे उतरे। रोहित ने जहां एक तरफ बहुत ही सदी हुई पारी खेली, तो वहीं शिखर ने उसी अंदाज में खेला जिस स्टाइल के लिए वह जाने जाते हैं। दोनों की जोड़ी ने टीम इंडिया के लिए 174 रनों का योगदान किया। रोहित शर्मा ने 70 गेंदों में 57 रन बनाए, जबकि 109 गेंदों में 117 रन बनाकर कंगारुओं पर दबाव बनाने वाले शिखर धवन ने बता दिया कि टीम इंडिया को ऐसे ही वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार नहीं कहा जा रहा। दूसरे ओर लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे कंगारू नहीं टिक पाए। टीम इंडिया ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के अपने दूसरे मैच में 5 बार की विश्व विजेता और डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराकर जीत हासिल की।
ऐसे बॉलीवुड के स्टार्स भी पीछे नहीं हैं। सितारों ने भारत की जीत का जश्न अपने अपने अंदाज में मनाते हुए टीम इंडिया को बधाई दी। सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर स्पेशल ट्वीट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। टीम इंडिया के मैच जीतने के बाद ही शाहिद कपूर और प्रीति जिंटा ने सबसे पहले ट्वीट किया। शाहिद कपूर ने लिखा कि क्या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, महान जीत। प्रीति जिंटा ने इंडिया टीम की जर्सी पहने हुए तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के साथ ही प्रीति ने लिखा कि वाह क्या मैच था, क्या शानदार जीत है, बॉलर और बैट्समैन की जबरदस्त कोशिश, ये संडे पूरी तरह फंडे बन गया। सानिया मिर्जा ने ट्वीट करते हुए लिखा सुबह देर तक सोना, चिड्डे बेबी टाइम पर सो गया, राफा की टीम, टीम इंडिया की जीत, क्या शानदार संडे है। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों मुंबई में अपनी फिल्म की तैयारी के लिए आई हुई हैं। प्रियंका ने रविवार की शाम टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच को एंजॉय किया और टीम इंडिया की जीत पर प्रियंका ने अपने टीवी स्क्रीन की तस्वीर शेयर करते हुए जीत की खुशी जाहिर की। जाने माने कन्नड़ साहित्यकार, रंगकर्मी, एक्टर गिरीश कर्नाड का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की वजह मल्टीपल ऑर्गन का फेल होना बताया जा रहा है। गिरीश कर्नाड लंबे समय से बीमार चल रहे थे, पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा था। गिरीश ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ सिनेमा के लिए भी जमकर काम किया है। गिरीश कर्नाड को 1978 में आई फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला। उन्हें 1998 में साहित्य के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। कर्नाड के निधन से सिनेमा और साहित्य जगत में शोक की लहर है। गिरीश ने कन्नड़ फिल्म संस्कार 1970 से अपना एक्टिंग और स्क्रीनिंग राइटिंग डेब्यू किया था। इस फिल्म ने कन्नड़ सिनेमा का पहले प्रेसिडेंट गोल्डन लोटस अवार्ड जीता था। गिरीश कर्नाड को सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड फिल्म निशांत सिवाय और चौक इन एन दस्तर में भी काम किया था। इन दिनों कटरीना कैफ के सितारे बुलंदियों पर हैं। उनकी फिल्म भारत अब तक 122 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। फिल्म में वो सलमान खान की अपोजिट हैं और उन्होंने कुमुद रैना का किरदार निभाया है। फिल्म भारत ने पहले से भी कटरीना और सलमान की जोड़ी इससे पहले भी हिट रही है। 2017 में एक था टाइगर का सीक्वल टाइगर जिंदा है फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। इसके अलावा भी कटरीना की कई फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी बैंग बैंग में कटरीना कैफ ऋतिक रोशन के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का काम किया। कटरीना ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी धूम 3 में मुख्य किरदार निभाया था। फिल्म में आमिर खान नेगेटिव रोल में थे। धूम 3 में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और साथ ही यश चोपड़ा की आखिरी निर्देशित फिल्म जब तक है जहां में शाहरुख खान के साथ कटरीना कैफ नजर आई थी। लव ट्राइंगल पर आधारित ये फिल्म भी 100 के क्लब में शामिल हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म गेम ओवर की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान तापसी घायल हो गई और उनके दोनों पैरों पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। तापसी की प्लास्टर वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर फैंस ने कमेंट में उनके लिए बेस्ट विशेस दिए हैं और जल्द ही ठीक होने की कामना की। इसके अलावा तापसी ने सोशल मीडिया पर अपनी चोट की फोटो शेयर करते हुए कहा कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर शिफॉन की साड़ी में काम करना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने इसे चुना। आपको बता दें कि फिल्म गेम ओवर तमिल, तेलुगु और हिंदी 3 भाषाओं में रिलीज की जाएगी और फिल्म गेम ओवर को अश्विन सरवन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 14 जून को रिलीज होगी। हरियाणवी सिंगर डांसर सपना चौधरी का नया गाना रिलीज हो गया है। गाने में सपना सिंगर वसीम शेख के साथ जमकर ठुमके लगा रही हैं। सपना चौधरी पहली बार पंजाबी स्टाइल में ठुमके लगाती नजर आएंगी। सपना का यह गाना टी सीरीज के बैनर तले रिकॉर्ड किया गया है और गाने को रिलीज हुए 4 दिन ही हुए हैं और अब तक इसे 13 लाख से ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। सपना चौधरी ने ठुमके लगाकर इस पंजाबी गाने में जान डाल दी और अब यह गाना एक नए रिकॉर्ड और नए म्यूजिक एल्बम के बनने के लिए तैयार है।
बॉलीवुड की पहली एक्शन थ्रिलर सीरीज धूम के बाद अब तक 3 पार्ट उसके आ चुके हैं और अब बॉलीवुड के गलियारों में एक बार फिर धूम 4 की चर्चा हो रही है। धूम सीरीज ने हीरो से ज्यादा हमेशा विलन के रोल के लिए सुर्खियां बटोरी हैं और इस बार इस रोल के लिए किंग खान का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान धूम की चौथी कड़ी में बतौर विलन नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो जॉन ऋतिक आमिर के बाद अब बॉलीवुड के बादशाह विलेन के किरदार में नजर आ सकते हैं। रविवार को कपिल शर्मा के शो में भारतीय खिलाड़ी संदीप सिंह, बाईचुंग भूटिया और दुती चंद ने शिरकत की। शो में धावक दुती चंद ने अपने संघर्ष के दिनों की बातें बताई। दुती ने बताया कि जूते खरीदने तक के लिए पैसे ना होने की वजह से उन्हें नंगे पैर ही दौड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती थी। जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2019 को अपना विनर मिल चुका है। 3 महीने तक चले शो को 14 साल की सुगंधा ने जीता, तो वहीं शो के फर्स्ट रनर अप प्रीतम आचार्य और दूसरे रनर अप मोहम्मद फैज रहे। सुगंधा की आवाज का जादू शो में पहले ही चल चुका था और कई बार उनकी आवाज की तुलना मशहूर गायिका श्रेया घोषाल से की गई। आपको बता दें कि सारेगामापा लिटिल चैंप्स से पहले सुगंधा ने इंडियन आइडल जूनियर 2013 में हिस्सा लिया था, लेकिन इस शो में सुगंधा फाइनल तक भी पहुंच सकी थी। खबर है कि टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर बिग बॉस 13 में अपने एक्स हस्बैंड शालीन भनौत के साथ एंट्री कर सकती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने एक्स कपल को शो के लिए अप्रोच किया है। हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से कंफर्मेशन नहीं दी गई है। इसके अलावा पिछले दिनों खबर थी कि शालीन से तलाक के बाद दलजीत अब दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही हैं। दलजीत और शालीन की शादी 2009 में हुई थी। उनकी शादी महज 6 साल तक ही चली। दलजीत ने शालीन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।